हेलो गाइस, स्वागत है आपका यस्ट्रिक के एक और नई वीडियो में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि HTML क्या है, HTML को कैसे यूज़ करते हैं और HTML को किस लिए यूज़ करते हैं। मुझे पता है कि ये कई भी बातें आपको समझ में नहीं आई होगी, ये बातें मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, HTML जो है वो मैं बोलकर नहीं समझा सकता, इसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दूसरा, अगर मैं बोल के समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए जल्दी से उस डॉक्यूमेंट को व्यू करते हैं। सो गाइस, ये है वो डॉक्यूमेंट जिसके जरिए हम HTML समझने वाले हैं। जिनको HTML पता नहीं है, मैं इनके लिए ये HTML बेसिक्स है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो जल्दी से हम इस डॉक्यूमेंट को समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। HTML हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ सर्टेन कीवर्ड्स कॉल्ड टैग्स दैट आर हेल्पफुल इन राइटिंग द डॉक्यूमेंट टू बी डिस्प्लेड यूजिंग ब्राउजर ऑन इंटरनेट। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द मीन्स टू लिंक द पेजेस ऑन द इंटरनेट। HTML डॉक्यूमेंट्स आर आइडेंटिफाइड देयर .html और .htm फाइल एक्सटेंशंस। सो दोस्तों, HTML क्या है? HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपको पता होना चाहिए। सो ये HTML जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पर। ये एक कलेक्शन है सर्टेन कीवर्ड्स का जिसे हम टैग्स कहते हैं, जो लिखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, जो कि हमें एक ब्राउज़र पर डिस्प्ले किए जाते हैं इंटरनेट पर। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये लिंक पेजेस पे मतलब समझाने के लिए भी यूज़ किया जाता है इंटरनेट पर। जो भी ब्राउज़र है उस पर एक पेज बनाया जाता है इसके ज़रिए। HTML को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? दोस्तों, HTML को आइडेंटिफाई जब .html और .htm ऐसी कोई फाइल होगी तो वो समझ जाना कि ये HTML है। तो आपको समझ में आ चुका है कि HTML क्या है, HTML को किस लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए इसके बेसिक्स जानते हैं। बेसिक्स ऑफ HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कंप्राइजेस ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स, नेमली हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप। हाइपर टेक्स्ट इनेबल्स अस टू क्रिएट लिंक्स बिटवीन सेपरेट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट। इट इज द टेक्स्ट दैट इनेबल्स अस टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन टुगेदर। द स्पेशल कोड दैट स्पेसिफाइज टू द वेब ब्राउजर एज टू हाउ पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट आर टू बी प्रोसेस्ड इज नोन एज मार्कअप। सो दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये दो मेजर कंपोनेंट्स को पकड़ती है, जिसका नाम है हाइपर टेक्स्ट और दूसरे का नाम है मार्कअप। हाइपर टेक्स्ट जो है ये दो सेपरेट फाइल्स को या डॉक्यूमेंट्स को सेपरेट क्रिएट लिंक करते हैं, मतलब उन दोनों के बीच में एक लिंक बनाती है, और डिफरेंट पार्ट्स के जो डॉक्यूमेंट है उनमें भी एक लिंक बनाती है, और एक टेक्स्ट होता है जिससे वो दोनों ऑर्गेनाइज होते हैं। तो एक स्पेशल कोड होता है जिससे हम वेब ब्राउज़र के पार्ट्स जो है उसे प्रोसेस कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं मार्कअप। आपको समझ में आ चुका है बेसिक्स ऑफ HTML। तो चलते हैं सम एडवांटेजेस देखने। चलिए देखते हैं सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ HTML आर एस फॉलो। HTML इज हाईली फ्लेक्सिबल। HTML आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। HTML इज सपोर्टेड ऑन ऑलमोस्ट एवरी ब्राउज़र। HTML हर ब्राउज़र को सपोर्ट करते हैं। HTML इज यूज़र फ्रेंडली। HTML बहुत ही फ्रेंडली है। HTML इज एन ओपन टेक्नोलॉजी, ये एक टेक्नोलॉजी है। HTML इज कंसिस्टेंट एंड इफिशियंट। HTML एक कंसिस्टेंट है। HTML इज ईजीली अंडरस्टैंडेबल एंड डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रेनिंग। HTML हम आसानी से समझ सकते हैं और इसके लिए कोई ट्रेनिंग आपको रिक्वायर नहीं है। HTML प्रोवाइड सर्च इंजन कंपेटेबल पेजेस। HTML आपको सर्च इंजन प्रोवाइड करता है पेजेस में। HTML इज ईजियर टू मेंटेन एंड अपडेट एनी सेट। HTML से हम किसी भी साइट को अपडेट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। HTML डज नॉट प्रोवाइड स्ट्रेन ऑन द सर्वर। HTML कोई भी खराब नहीं करता, कोई भी लोड नहीं डालता सर्वर पर। HTML वेब पेजेस टेक्स लेसर टाइम टू लोड। जो HTML के जो वेब पेजेस होते हैं वो कम टाइम लेते हैं लोड होने के। तो चलिए आगे देखते हैं बेसिक टर्म्स इन HTML।
बेसिक टर्म्स इन HTML, द HTML कोड कंसिस्ट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट्स एंड टैग्स, ऑल दिस वर्क टुगेदर टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट एंड इंस्ट्रक्ट वेब ब्राउज़र्स हाउ टू डिस्प्ले देम। तो दोस्तों, इसके लिए एक कोड होता है जिससे हम अपने ब्राउज़र पर जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी दिखाना चाहते हैं, वो दिखा सकते हैं। इसके लिए आपको कोड पता होना चाहिए क्या है, तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं एट्रीब्यूट्स क्या है। एट्रीब्यूट्स, वी हैव सीन फ्यू HTML टैग्स एंड देयर यूजेज, लाइक हेडिंग टैग्स H1, H2, पैराग्राफ टैग P एंड अदर टैग्स। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट्स। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन टी स्टार्ट टैग। सो एट्रीब्यूट्स जो है, आपने फ्यू HTML टैग्स देखे होंगे, जैसे कि हेडिंग टैग्स H1 और H2। दोस्तों, H1 का मतलब है पहला हेडिंग और H2 का मतलब है दूसरा हेडिंग। पैराग्राफ यानी कि जहाँ पर भी आप पैराग्राफ डालना चाहते हैं। तो एट्रीब्यूट जो है वो बहुत ही नेसेसरी है HTML के लिए। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन, ज़्यादा इंफॉर्मेशन डालता है HTML एलिमेंट्स पे। तो HTML हमेशा एक स्टार्ट टैग की तरह यूज़ करना चाहिए। एंड एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन द कैरेक्टर्स ऑफ एन HTML एलिमेंट एंड डिस्प्ले इनसाइड द एलिमेंट्स ओपनिंग टैग। एट्रीब्यूट्स कम इन नेम वैल्यू पेयर्स, लाइक नेम इज इक्वल टू वैल्यू। सो HTML जो एट्रीब्यूट है उसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन HTML, इसका मतलब है कि HTML के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं, जो कि उसके अंदर होते हैं। तो एलिमेंट्स को जो जब आप खोलते हैं तो तब ये दिखाई देता है। सो एट्रीब्यूट्स जो है वो ज़्यादातर इस नेम में आते हैं, इक्वल टू वैल्यू। तो दोस्तों, आप समझ चुके हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या है। अब हम देखते हैं अगला क्या दिया है। ऑल एट्रीब्यूट आर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, अ नेम एंड अ वैल्यू। एट्रीब्यूट्स जो है वो दो पार्ट्स के बने हुए होते हैं, एक का नाम है नेम और दूसरा है वैल्यू। तो देखते हैं इनके बारे में क्या दिया गया है। द नेम इज द प्रॉपर्टी वी वॉन्ट टू सेट। फॉर एग्जाम्पल, द पैराग्राफ पी एलिमेंट इन द एग्जाम्पल कैरीज एन एट्रीब्यूट हुज नेम इज अलाइन, विच वी कैन यूज टू इंडिकेट द अलाइनमेंट ऑफ पैराग्राफ ऑन द पेज। सो नेम है जो हम किसी भी प्रॉपर्टी को सेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैराग्राफ टैग जो है जिसे हम पी कहते हैं, पी एलिमेंट। सो ये पी एलिमेंट एक एग्जाम्पल कैरी करता है जिसका नाम है अलाइन। सो हम इसे अलाइनमेंट के नाम से कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपका पैराग्राफ छोड़ना होगा पेज पे, आप उसे वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं वैल्यू के बारे में क्या दिया गया है। द वैल्यू इज वॉट वी वॉन्ट द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी सेट एंड ऑलवेज पुट विद इन द कोटेशन। द बिलो शोज थ्री पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन अलाइन एट्रीब्यूट इज लेफ्ट, सेंट्रल एंड राइट। सो दोस्तों, इसमें कहा गया है वैल्यू के बारे में कि हमें जो भी वैल्यू रखनी है, सेट करनी है, उसे हम कोटेशन से सेट करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है अलाइन एट्रीब्यूट का, लेफ्ट। इसका मतलब आपको लेफ्ट पे करना है, जो भी सेंटेंस है आपको लेफ्ट में करना है, तो आपको लेफ्ट एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको कोई सेंटेंस बीच में लाना है तो आपको सेंट्रल एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा, और अगर राइट में लाना है तो आपको और राइट एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। एट्रीब्यूट नेम्स एंड एट्रीब्यूट वैल्यूज आर केस इंसेंटिव। हाउएवर, द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C रिकमेंड्स लोअर केस एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट वैल्यूज इन देयर HTML फॉर रिकमेंडेशन। सो दोस्तों, हमें जो एट्रीब्यूट्स हैं वो लोअर केस में ही यूज़ करना चाहिए। वो क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देखते हैं आगे क्या दिया गया है। एलिमेंट्स, सो देखते हैं ये क्या है। एन HTML एलिमेंट इज एन इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट और वेब पेज। वंस दिस हैज बीन रिजॉल्व इनटू डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, एन एलिमेंट जनरली कंप्रोमाइजेस अ स्टार्टिंग टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट, द कंटेंट एंड एन एंडिंग टैग। द एंडिंग टैग इज प्रीसीडेड विद अ फॉरवर्ड स्लैश। दिस एंडिंग टैग इज ऑल्सो नोन एज द क्लोजिंग टैग। वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ HTML इज दैट एलिमेंट्स कैन बी नेस्टेड। दिस इम्प्लाइज दैट द एलिमेंट कैन कंटेन वन और मोर देन वन एलिमेंट विद इन इट। दिस एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स। सो दोस्तों, एक HTML एलिमेंट है जिसे हम वेब पेज पे यूज़ करते हैं। दोस्तों, ये एक कोड है जिसे हम शुरुआत में लिखते हैं और एंडिंग टैग में लिखते हैं, जिसका एंडिंग टैग में हम स्लैश यूज़ करते हैं और उसके एट्रीब्यूट। सो इस स्लैश को हम एंडिंग टैग या क्लोजिंग टैग भी कह सकते हैं। सो ये एक फीचर्स है HTML एलिमेंट्स का। और ये एलिमेंट या ज़्यादा देर, ज़्यादा से एक से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं,
और ये जो एलिमेंट्स है ये दो टाइप्स में क्लासीफाई होते हैं। तो देखते हैं कि वो दो टाइप्स क्या है। एम्प्टी एलिमेंट, मोस्ट HTML एलिमेंट्स आर कंस्ट्रक्टेड विद एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग पेयर, बट देर आर सम विच प्लेस द एलिमेंट कंटेंट विद द विद इन अ सिंगल टैग एंड दिस एलिमेंट्स आर नोन एज एम्प्टी एलिमेंट। इट हैज ओनली द ओपनिंग टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट्स विदाउट अफेक्टिंग रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। दिस एम्प्टी एलिमेंट्स परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। सो एम्प्टी एलिमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा HTML एलिमेंट्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग टैग पेयर पर, लेकिन जब जहाँ पर थोड़ी सी स्पेस छूट जाती है वहाँ पर एक सिंगल टैग यूज़ किया जाता है विदाउट दिस एलिमेंट्स, तो इन्हें कहते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स। से आप नोट कर लीजिएगा। और इट हैज़ ओनली द ओपनिंग टैग, मतलब कि ये उसे सिर्फ ओपनिंग टैग ही किया जा सकता है और उसके एट्रीब्यूट्स विदाउट अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसे डॉक्यूमेंट को रेस्ट देने की जरूरत नहीं है। दिस एम्प्टी एलिमेंट्स परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शंस, वो अपने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो आपको समझ में आ चुका है कि एम्प्टी एलिमेंट क्या है। कंटेनर एलिमेंट, ये इसका दूसरा टाइप है। आप देखते हैं कंटेनर एलिमेंट हैज़ अ स्टार्टिंग एंड एन एंडिंग टैग। फॉर एग्जाम्पल, टू मेक अ सर्टन सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट बोल्ड, द ओपनिंग टैग बी इज यूज एंड द एंडिंग टैग बी slash b is used. The text enclosed within the opening and closing tags in hold are displayed by the web browser. तो इसका मतलब है दोस्तों कि कंटेनर एक ऐसा एलिमेंट है जो स्टार्टिंग और एंडिंग टैग को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई टेक्स्ट बोल्ड बनाना होगा तो आपको b टैग यूज़ करना पड़ेगा कुछ इस तरह का, और फिर आपको एंडिंग टैग में अगर टेक्स्ट बोल्ड करना है तो आपको स्लैश भी यूज़ करना पड़ेगा, सिर्फ बी नहीं स्लैश भी यूज़ करना पड़ेगा। और जिससे हम टेक्स्ट इनक्लोज करते हैं, जिससे इसे कहते हैं ओपनिंग में यूज़ किया जाता है और इसे क्लोजिंग टेक्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आपको समझ में आ चुका है कि कंटेनर एलिमेंट क्या है। अब देखते हैं अगला क्या दिया है। टैग्स, एन HTML टैग इज अ कोड दैट डिस्क्राइब्स हाउ अ वेब पेज इज फॉर्मेटेड। ईच टैग परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक टास्क। अ लार्ज नंबर ऑफ टैग्स एग्जिस्ट इन HTML। टैग डिटरमाइन द मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स इन अ डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग सच एज हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस एक्सेट्रा। सो टैग्स जो है वो HTML में एक नेसेसरी रोल प्ले करते हैं। टैग्स ही एक HTML पेज को बनाते हैं और ईच टैग अपना एक स्पेसिफिक टास्क, अपना एक स्पेसिफिक काम करता है जिससे HTML बनता है। सो बहुत सारे टैग्स एग्जिस्ट करते हैं HTML में, बहुत सारे टैग्स हैं और टैग्स डिटरमाइन किए जाते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, मतलब शुरुआत में आपको क्या करना है वो ये टैग्स बताते हैं, और आपको अगर सही से करना है तो आपको टैग्स सारे पता होने चाहिए। तो चलते हैं, टैग्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, पैराग्राफ्स के लिए यूज़ करते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से टैग्स हैं यहाँ पर दिए गए। हेडिंग टैग्स, हेडिंग टैग्स आर यूज ऑन एनी डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग विद अ हेडिंग। वी कैन यूज डिफरेंट साइजेस फॉर द हेडिंग्स। HTML ऑल्सो हैज सिक्स लेवल्स ऑफ हेडिंग विच यूज द एलिमेंट्स H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। वेल डिस्प्लेइंग एनी हेडिंग, ब्राउज़र एड्स वन लाइन बिफोर एंड वन लाइन आफ्टर दैट हेडिंग। सो हेडिंग एक ऐसा टैग है जिसमें हम हेडिंग डालते हैं ऊपर, और आप इसमें टोटल 6 हेडिंग्स डाल सकते हैं, लेकिन हेडिंग डालने के लिए आपको H1 लिखकर उसके सामने जो हेडिंग है उसे डालना पड़ेगा, और आप यहाँ पर टोटल 6 लिख सकते हैं हेडिंग्स। और 6 लिखने के लिए आपको वो नंबर टाइप करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है H1, H2, H3, H4, H5 और H6। सो ये जो ब्राउज़र है एक लाइन छोड़ देता है और जब हेडिंग कंप्लीट हो जाता है और फिर एक लाइन छोड़ देता है। तो आपको समझ में आ चुका है कि हेडिंग टैग्स क्या है। तो देखते हैं अगला टैग कौन सा है। पैराग्राफ टैग, द पी टैग ऑफर्स अ वे टू स्ट्रक्चर द टेक्स्ट इनटू डिफरेंट पैराग्राफ। ईच पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट विल गो इन बिटवीन एन ओपनिंग पी एंड द क्लोजिंग। सो आपको पैराग्राफ टैग मैंने पहले ही बताया, जिनको पता नहीं चला मैं उनको फिर बता देता हूँ। पैराग्राफ टैग हम पैराग्राफ लिखने के लिए या फिर पैराग्राफ छोड़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ ओपनिंग के टाइम पे यूज़ करना है और क्लोजिंग के टाइम पे यूज़ करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका पैराग्राफ नहीं बन पाएगा। सो पैराग्राफ टैग इस तरह से कुछ होता है जिसे हम पी के नाम से जानते हैं,
और आपको ओपनिंग के वक्त पी यूज़ करना है और क्लोजिंग के वक्त हमेशा स्लैश पी यूज़ करना है। सो आपको समझ में आ चुका है कि पैराग्राफ टैग क्या है। अब देखते हैं अगला टैग, लाइन ब्रेक टैग। वेन एवर वी यूज द बी आर स्लैश एलिमेंट एनीथिंग फॉलोइंग इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन। दिस टैग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्प्टी एलिमेंट वेयर वी डू नॉट नीड ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स एज देयर इज नथिंग टू गो इन बिटवीन देम। सो बी आर जो है, बी आर स्लैश ये एक एलिमेंट है जिसे हम अगली लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको कोई ओपनिंग टैग की और क्लोजिंग टैग्स की ज़रूरत नहीं है। सो आपको समझ में आ चुका है कि लाइन ब्रेक टैग क्या है। इसे लाइन ब्रेक टैग इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम ये एक एम्प्टी एलिमेंट है और इसे नेक्स्ट लाइन पे लिखा जा सकता है। द बी आर टैग हैज़ अ स्पेस बिटवीन द कैरेक्टर्स बी आर एंड द फॉरवर्ड स्लैश। इफ वी ओमिट दिस सोर्स ओल्डर ब्राउज़र्स विल हैव ट्रबल रेंडरिंग द लिंक ब्रेक व्हाइल इफ वी मिस द फॉरवर्ड स्लैश कैरेक्टर एबिली जस्ट यूज बी आर इट इज़ नॉट वैलिड नेक्स्ट एलिमेंट। सो बी आर टैग जो है आपको बी आर स्लैश ही यूज़ करना है। आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो HTML आपका जो कोड है वो गलत हो जाएगा। आपको यही टैग यूज़ करना है। अगर आप सिर्फ एरो राइट एरो लेफ्ट एरो और बी आर यूज़ करते हैं तो एक गलत हो जाएगा। एवरी HTML डॉक्यूमेंट कंप्राइज ऑफ फोर मेजर एलिमेंट्स नेमली HTML हेड टाइटल एंड बॉडी। सो जो HTML डॉक्यूमेंट्स है ये फोर मेजर एलिमेंट से बना हुआ है जिसका नाम है HTML हेड टाइटल और बॉडी। सो देखते हैं HTML एलिमेंट क्या है। एन HTML एलिमेंट इज एन इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट और वेब पेज। HTML एलिमेंट इंडिकेट्स टू द वेब ब्राउजर दैट पेज इज एन HTML। टू द मार्क द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट द HTML एलिमेंट इज यूज। सो जो HTML जो एलिमेंट है उसे हम डिफाइन करने के लिए HTML डॉक्यूमेंट या HTML को वेब पेज डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये HTML एलिमेंट है ये इंडिकेट करता है कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। तो शुरुआत में जो होता है इसे मार्क करने के लिए HTML यूज़ किया जाता है और एंड में जो होता है उसे यूज़ किया जाता है HTML डॉक्यूमेंट। सो इसके लिए HTML एलिमेंट यूज़ होता है। सो आपको समझ में आ चुका है कि HTML एलिमेंट क्या है। अब देखते हैं अगला एलिमेंट क्या है। सो यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी दिया गया है कि ओपनिंग टैग में आपको ये HTML यूज़ करना है और क्लोजिंग टैग को आपको स्लैश HTML यूज़ करना है। सो आपको समझ आ चुका है दोस्तों। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका कोड गलत हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्या है। हेड एलिमेंट द हेडर इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट सच एज टाइटल कीवर्ड्स एक्सेट्रा आर स्पेसिफाइड बाय द हेड एलिमेंट। The content which is written between the opening and closing tags of the head element is not displayed in the web page. So, जो header है वो HTML में use नहीं किया जाता, उसे title या keywords के लिए use किया जाता है। Head element यानी कि आपको पता चल चुका है कि heading डालने के लिए use किया जाता है। दोस्तों ये head element है ये web page पर display नहीं किया जाता। So, इसका example दिया गया है यहाँ पर head और closing tag के लिए slash है। तो आपको ये यूज़ करना है वरना आपका हेड एलिमेंट गलत हो जाएगा। सो देखते हैं अगला क्या दिया गया है। टाइटल एलिमेंट द टाइटल ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज स्पेसिफाइड बाय द टाइटल एलिमेंट। द टाइटल एलिमेंट शुड अपेयर इन द हेड ऑफ द डॉक्यूमेंट। देयर मे ओनली बी वन टाइटल इन एनी डॉक्यूमेंट। इट शुड आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इन अ फेयरली वाइड कॉन्टेक्स्ट। द टाइटल ऑफ द वेब पेज इज डिस्प्लेड इन द टाइटल बार ऑफ द ब्राउजर विंडो। द टाइटल ऑफ द वेब पेज can contain up to 64 characters. So, title element है जो web page पर title use करने के लिए use किया जाता है और जो title है वो web page पर 64 characters use कर सकता है। और title जो element है उसे आपको head element से पहले use करना है। So, यहाँ पर एक example दिया गया है title opening tag के लिए और closing tag के लिए slash title। आपको पता चल चुका है कि title element क्या है। So, देखते हैं अगला क्या है। बॉडी एलिमेंट द बॉडी एलिमेंट कंटेंट्स ऑल द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट एज अपोजिट टू द हेड विच कंटेंट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। वेरियस मार्कअप एलिमेंट्स आर अलाउड विद इन द बॉडी टू इंडिकेट हेडिंग्स पैराग्राफ लिस्ट हाइपरटेक्स्ट लिंक्स इमेजेस एंड सो ऑन। सो बॉडी एलिमेंट है वो हेड के एकदम अपोजिट है
ये बॉडी जो एलिमेंट है वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है HTML के बारे में, और ये मार्कअप एलिमेंट है जिससे हम बॉडी एलिमेंट जो है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इसलिए इसके लिए क्या कोड लिखा गया है। सो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है ओपनिंग टैब के लिए बॉडी और क्लोजिंग टैब के लिए स्लैश बॉडी। सो आपको समझ में आ चुका है कि HTML क्या है और बॉडी एलिमेंट क्या है। सो HTML के कुछ रूल्स होते हैं, तो वो देखते हैं कि हमें क्या करना है। So, rules of HTML. While writing an HTML code, we are required to follow certain rules such as. So, कुछ rules हैं जो मैं देखने हैं, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। Tags are always surrounded by angle brackets, less than greater than characters as in head. No extra space should be included while writing tags. If the browser encounters a space, it does not recognize the tag and consequently displays the wrong output. Each attribute has a name and a value. The value of the attribute is specified after the name of the attribute and the equal to sign. Remember that the value of the attribute may or may not be specified. One or more than one element is contained is an element. For example, we want to bold and underline a text. Then we can use both the bold and underline elements. An element generally consists of starting tag, the content, and an ending tag. The ending tag is also known as the closing tag. It's preceded with a forward slash. So, पहला रूल क्या है मैं आपको बताता हूँ। So, पहला रूल है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो ब्रैकेट से सराउंडेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पहला रूल आपको समझ में आ चुका है। So, इसे हम एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं। अब देखते हैं अगला रूल क्या है। नो एक्स्ट्रा स्पेस शुड बी इंक्लूडेड व्हाइल राइटिंग टैग्स। सो ज़्यादा स्पेस नहीं लेनी है जब आप टैग्स लिख रहे होते हैं। सो इफ द ब्राउज़र एनकाउंटर्स अ स्पेस, इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द टैग। तो अगर आप कुछ भी टैग लिख रहे हो, अगर आप उसमें स्पेस कर देते हो तो ब्राउज़र उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता, उसे फील नहीं करता। सो इसके लिए आपको ये स्पेस नहीं छोड़ना है बीच में बिल्कुल भी। आपको सेकंड रूल समझ में आ चुका है। देख लिया तीसरा रूल क्या है। इस एट्रीब्यूट ईच एट्रीब्यूट हैज अ नेम एंड अ वैल्यू। द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट इज स्पेसिफाइड आफ्टर द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट एंड द इक्वल टू साइन। रिमेंबर दैट द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट मे और मे नॉट बी स्पेसिफाइड। सो हर एक एट्रीब्यूट का एक नेम होती है और एक वैल्यू होता है जिससे हम एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू साइन है, ये आपको रिमेंबर करना है और आपको याद रखना है कि कोई भी वैल्यू उसमें ज़्यादा कुछ गलत ना हो और आप उसमें कुछ ज़्यादा नहीं कर दो। जो एट्रीब्यूट है उससे आपको संभल के यूज़ करना है और सही कोड टाइप करना है इसके लिए। सो देखते हैं फोर्थ क्या है। One or more than one element is contained in an element. For example, if we want to bold and underline a text, then we can use both the bold and underline elements. So, एक element है, एक से ज़्यादा element, एक element को contain करता है। So, अगर आपको कोई line bold करनी होगी, text को underline करना होगा, तो आपको ये दोनों bold use कर सकते हैं elements को underline करने के लिए। So, देखते हैं fifth rule क्या है। An element generally consists of a starting tag, the content, and an ending tag. The ending tag is also known as the closing tag. It's preceded with a forward slash. So, जो element है वो starting tag में आपको कुछ इस तरह में लिखना होता है और जब आप ending tag use करते हैं तो आपको forward slash use करना होता है, वरना आपको जो code लिखा गया है, जो पूरा का पूरा code लिखा गया है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। So दोस्तों आपको समझ में आ चुका है HTML क्या है, HTML को किस लिए यूज़ करते हैं और HTML कैसे यूज़ करते हैं। सो अगर आपको इसका क्या करना है, कौन से कोड लिखना है, ये वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।